आपने इसकी वर्किंग वीडियो भी देख ली, यकीनन इसकी वर्किंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब वर्किंग वीडियो देखने के बाद सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की। मॉडल करसन डबल बाकेट डबल क्लस्टर। इसे डबल बाकेट डबल क्लस्टर क्यों कहा जाता है? दो बाल्टियाँ इसकी एक टाइम पे दो जानवर की चुआई करेगी। इसके साथ भैंस और गाय की चुआई कैसे होगी? सिंपल जो मिल्किंग मशीन होती है, अगर उसको भैंस के ऊपर लगाया जाए तो वो प्रॉब्लम करती है, भैंस के थान वक्त ख़राब हो जाते हैं। उसके अंदर जो पुल स्वेटर होते हैं, मैं दोनों आपको दिखाता चलूं। उसके अंदर पुल स्वेटर होता है, ये सिंपल, ये प्रेशर पंप की मदद से काम करता है, सक करता है। एक मिनट में ये 40 दफ़ा प्रेस होना चाहिए। जब आप गाय पे लगाते हैं तो 40 ठीक है, अगर भैंस पे लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता, इसमें फिर ये इशू आता है। इस मिल्किंग मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पल स्वेटर है जो कि बिजली की मदद से ऑपरेट होते हैं। अगर आप इसे गाय पे लगाते हैं तो उसके जितने नरम थान होते हैं ये वैसे ही काम करेगा, अगर आप भैंस पे लगाते हैं तो ये उससे ज़्यादा सख्त होगा, उसको कंट्रोल करेगा, मेन मकसद जो कहने के हमारा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पुल स्वेटर इसके अंदर लगाया गया, इसकी मदद से आप गाय और भैंस की दोनों की चुआई कर सकते। बाकी ये जो मिल्किंग मशीन है ये फूड ग्रेड के मुताबिक है, ये ज़रा सही पैदा नहीं करती दूध के अंदर। और एक चीज़ का ख्याल रहे, आप एक हफ्ते में एक मरतबा इसे वॉश करने हैं आपने, वो किस तरीके से करना है। बुरश आपको इसी मिल्किंग मशीन के साथ मिलेंगी, ये लाइनर के लिए बुरश है, इसकी मदद से आप लाइनर को साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये फिर पाइप के लिए बुरश है, ये भी आपको इसी मिल्किंग मशीन के साथ मिलेगा। यहाँ से पाइप आपने उतारने हैं और इनके अंदर से आपने कोई भी केमिकल ले लेना है, जैसे लेमन मैक्स होता है लिक्विड बर्तन वगैरह धोने के लिए, उसको पानी में मिक्स करके उसके साथ आपने इन पाइपों की सफाई करनी है अच्छे तरीके से। इसको यहाँ से आपने खोलना है, ईजी खुल जाता है, ईजी मूव है। यहाँ से आपने सफाई करनी है ताकि ज़रा सीम पैदा ना हो इस मशीन के अंदर। बाकी इसको जो चलाने का तरीका है, चलाने से पहले यहाँ पे ये पुश बटन है, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे और इसको आपने इस एंगल पे पकड़ना है। इसकी दूसरी साइड पे ऑन ऑफ बटन है, उसे ऑन पोजीशन पे करना है तो इसके प्रेशर गेज के ऊपर प्रेशर बनने लग जाएगा। जब प्रेशर इसका पूरा हो जाए, रेड निशान पर आ जाए, तो आपने क्या करना है, इस पुश बटन को ऊपर की तरफ करेंगे तो टोटल प्रेशर यहाँ से खींचना शुरू हो जाएगा। आपने वन बाई वन करके पहले इसको मूव करना है इस तरीके से, बाद में इसको आपने ऐसे लगाना है। कोशिश करनी है इसका प्रेशर लीक ना हो, अगर आप एक लगा लें तो दूसरा फ़ोन लगे, फिर तीसरा फ़ोन लगे, फिर चौथा फ़ोन लगे। अगर प्रेशर लीक होगा तो वहाँ से गेज नीचे आएगी, गेज में प्रॉब्लम होगी, तो एक ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इसे परचेज़ करेंगे, हमारी टीम आएगी आपके पास, आपको मिल्किंग करके दिखाएगी, ट्रेनिंग देगी, उसके इजाफी चार्जेस कोई नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके दो स्टेप तक इसकी डिलीवरी करेंगे। मज़ीद अगर इस मशीन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं या मेरी टीम से रابطہ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।